जय हिंद फ्रेंड्स मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बी एस क्लासेस पे आज हम लोग एस एस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एस एस के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के जोग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास का लाभ उठा सकें आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर अवश्य कीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर आने वाली तरंगों को दर्ज करता है तो फटाफट आंसर करेंगे कि कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर आने वाली तरंगों को दर्ज करता है तो आप जानते हैं सिस्मोग्राफ आंसर क्या होगा भूकंपीय तरंगों को दर्ज करता है सिस्मोग्राफ तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तो सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को दर्ज करता है लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से किस विशाल समुद्र द्वारा अलग किया गया था आंसर करेंगे कि लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से किस विशाल समुद्र द्वारा अलग किया गया था तो सही आंसर क्या होगा तैथिस सागर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तो लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से तैथिस सागर द्वारा अलग किया गया था और ऐसा माना जाता है कि जहां पे पहले तैथिस सागर था वहीं पे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है याद रखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तैथिस पाक जलसंधि क्या है ऑप्शन ए आपको बताना है पाक जलसंधि क्या है ऑप्शन ए यह पश्चिम की ओर चीन तथा भारत की सीमा रेखा है ऑप्शन बी यह भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है ऑप्शन सी यह एक जल निकाय है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है तो आप जानते हैं पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है और पाक जल संधि एक जल निकाय है जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तो याद रखना है पाक जल संधि एक निकाय है एक जल निकाय है जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करती है अगर आपसे पूछेगा कोको जल संधि कहां पे है तो याद रखना है कोको जल संधि अंडमान और कोको द्वीप को अलग करता है कोको जल संधि म्यांमार में है ठीक है कोको जल संधि अंडमान और कोको द्वीप को अलग करता है याद रखना है कोको द्वीप म्यांमार में है इंपॉर्टेंट है पूछता है पाक जल संधि पूछेगा तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करता है आठ डिग्री चैनल किसे अलग करता है तो आठ डिग्री चैनल मालदीव को मिनीक्वाय से अलग करता है याद रखेंगे नौ डिग्री चैनल मिनीक्वाय को लक्षद्वीप से अलग करता है दस डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है ठीक है तो आठ डिग्री चैनल मालदीव को मिनिक्वाय से अलग करता है नौ डिग्री चैनल मिनक्वाई को लक्षद्वीप से अलग करता है दस डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है भारत और पाक को अलग करता है पाक भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जलडुमरू मध्य आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट सबसे धीमी गति से 2.5 पॉइंट फाइव सेंटीमीटर प्रतिवर्ष हलचल करती है तो आंसर करेंगे कौन सी प्लेट सबसे धीमी गति से 2.5 किलो 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष सेंटीमीटर प्रतिवर्ष हलचल करती है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्कटिक रिज ठीक है तो सबसे धीमी गति से 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर प्रतिवर्ष हलचल करती है आर्कटिक रिज आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड वैगनर द्वारा वर्णित महाद्वीपीय बहाव के आगे के एकल महाद्वीपीय दरिमान को घेरने वाले विशाल महासागर को क्या कहा जाता है आंसर करेंगे अल्फ्रेड वैगनर द्वारा वर्णित महाद्वीपीय बहाव के आगे के एकल महाद्वीपीय दरिमान को घेरने वाले विशाल महासागर को क्या कहा जाता है तो आपका सही आंसर क्या होगा पेंथलासा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेंथलासा याद रखेंगे विश्व के किस महाद्वीप में भारत चीन और जापान स्थित है तो आपको बताने किस महाद्वीप में भारत चीन और जापान स्थित है आंसर हो जाएगा एशिया ठीक है ऑप्शन नंबर ए अस्थल मंडल जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां सामान्य वनस्पति और वन्य जीव पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है तो फटाफट आंसर करेंगे स्थलमंडल जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां सामान्य वनस्पति और वन्य जीव पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है ऑप्शन ए बहिर्मंडल ऑप्शन बी भूमंडल ऑप्शन सी जैव मंडल ऑप्शन डी क्षोभ मंडल तो आपका सही आंसर क्या होगा बायोस्फेयर यानी जैव मंडल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्वीपीय देश फिजी किस महासागर में स्थित है आपको बताना है द्वीपीय देश फिजी किस महासागर में स्थित है ऑप्शन ए हिंद महासागर ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर ऑप्शन सी एटलांटिक महासागर ऑप्शन डी प्रशांत महासागर तो फिजी द्रीप... द्वीप फिजी द्वीपीय देश किस महासागर में स्थित है तो याद रखना है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर तो फिजी एक द्वीपीय देश है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है आंसर ऑप्शन नंबर डी एल ए सी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और डैश के बीच प्रभावी सीमा है तो बताना है एल ए सी भारत और किस देश के बीच स्थित प्रभावी सीमा है ऑप्शन ए बांग्लादेश ऑप्शन बी म्यांमार ऑप्शन सी अफगानिस्तान ऑप्शन डी चीन तो सिंपल सा सवाल है आप जानते हैं एल ए सी एक्चुअल ऑफ बोल सकते हैं एलएसी को वास्तविक नियंत्रण रेखा या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यह भारत और किसके बीच में है यह बताना है तो भारत और चीन के बीच में है एलएसी तो याद रखेंगे एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच में प्रभावी सीमा है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा अब यहां से बहुत सारा सवाल एग्जाम में बनता है जैसे पूछेगा डुरंड रेखा आप जानते हैं डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है पूछेगा ड्रंड रेखा तो याद रखना है डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा याद रखेंगे रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है रेडक्लिफ रेखा अगर पूछेगा हिंडनबर्ग रेखा तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है हिंडनबर्ग रेखा याद रखेंगे जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है हिंडनबर्ग रेखा मैन रहीम रेखा पूछेगा तो रूस और फिनलैंड के बीच में स्थित है मैन रहीम रेखा याद रखेंगे रूस और फिनलैंड के बीच में स्थित है मैन रहीम रेखा अगर पूछेगा कि मेगीनोट रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है याद रखना है मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा है याद रखना

दक्षिणी कोरिया से अलग करता है छतरवी समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करता है उनचासवीं समांतर रेखा अमेरिका को कनाडा से अलग करता है उनचासवीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है याद रखिएगा ठीक है तो इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछेगा तो आप याद रखिएगा तो एल ए सी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा है ऑप्शन नंबर डी भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है तो आंसर करेंगे भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता तो है तो आप जानते हैं भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है तो यहां आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन तो नंबर बी तो याद रखना है भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है अगर पूछेगा सबसे छोटी सीमा भारत किसके साथ साझा करता है तो अफगानिस्तान के साथ ठीक है सबसे छोटी सीमा या सबसे कम बोलेगा तो सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ ठीक है <स्थाथ> तो इंपॉर्टेंट सवाल है याद रखना है पूछेगा भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है और भारत सबसे छोटी सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अगर पूछे बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं तो बांग्लादेश के साथ पांच भारतीय राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं पश्चिम बंगाल आसाम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है याद रखिएगा तो सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे तो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में जवाहरलाल नेहरू और आयुब खान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तो याद रखना है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था 1960 सौ ईस्वी में हुआ था सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था सिंधु नदी जल समझौता और सिंधु नदी जल समझौता जवाहरलाल नेहरू और आयुब खान के बीच में हुआ था आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निम्नलिखित में से भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है इनमें से कौन सा दर्रा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है ठीक है तो आंसर करें भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है तो आपका सही आंसर क्या होगा बताएंगे तो याद रखना है काराकोरम दर्रा काराकोरम दर्रा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काराकोरम दर्रा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष की थी आंसर करेंगे पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष की थी ठीक है पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष की थी बताएंगे तो याद रखना है 1505 सौ ईस्वी में पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष की थी तो पुर्तगालियों ने 1505 सौ ईस्वी में श्रीलंका की खोज की थी याद रखेंगे और पुर्तगाली भारत कब आए थे तो आपको पता होगा पहला पुर्तगाली थे वास्को डिगामा जो कि चौदह ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पहुंचे थे केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचे थे वास्को डिगामा चौदह सौ अंठानवे ईस्वी में तो पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष की पंद्रह सौ पांच ईस्वी आंसर ऑप्शन नंबर सी म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है आपको बताना है आप जानते हैं म्यांमार से भारत का चार राज्य जो है बॉर्डर शेयर करता है याद रखेंगे चार राज्य सीमा साझा करता है चार राज्य सीमा साझा करता है तो अगर पूछे म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करता है तो याद रखना है चार राज्य सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ कौन कौन सा चार राज्य है तो एक तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है याद रखना है अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है अगला याद रखिएगा नागालैंड नागालैंड जो है याद रखना है मिजोरम नागालैंड याद रखना है मणिपुर याद रखना है ठीक है जगह कम था इसलिए उधर लिख दिया मणिपुर नागालैंड याद रखना है कि म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है इसके अलावा मणिपुर जो है नागालैंड मणिपुर जो है याद रखना है म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है और मिजोरम याद रखना है मिजोरम भी म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है तो अगर पूछे आपसे एग्जाम में कि भारत के कितने राज्य म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं तो याद रखना है भारत के चार राज्य म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और म्यांमार में किस धर्म के लोग मुख्यतः रहते हैं तो आपका आंसर क्या होगा बौद्ध धर्म आंसर क्या होगा ऑप्शन डी तो इंपॉर्टेंट सवाल है इसको याद रखिएगा म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है म्यांमार का मुख्य है? धर्म है बौद्ध धर्म म्यांमार चार भारतीय राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है आंसर ऑप्शन नंबर डी निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है आंसर करेंगे भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन, कौन सा है भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है आपको बताना है ठीक है भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है ये कलर ठीक है भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है आपको बताना है अब देखिए भूटान से क्या क्या सवाल बन सकता है तो भूटान से कितने भारतीय राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं तो याद रखना है चार राज्य सीमा साझा करते हैं ठीक है चार राज्य सीमा साझा करते हैं चार राज्य सीमा साझा करता है तो कौन कौन सा चार राज्य सीमा साझा करता है भूटान के साथ तो याद रखना है कि सिक्किम सिक्किम जो है सिक्किम जो है सिक्किम का बॉर्डर भूटान के साथ शेयर होता है ठीक है सिक्किम याद रखना है वेस्ट बंगाल याद रखेंगे पश्चिम बंगाल आसाम याद रखना है और अरुणाचल प्रदेश ठीक है और अरुणाचल प्रदेश तो ये चार राज्य जो है याद रखना है अरुणाचल प्रदेश वेस्ट बंगाल आसाम और सिक्किम चार भारतीय राज्य हैं जो कि भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं और भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत पूछेगा कौन सा है तो भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है आपका ऑप्शन नंबर ए भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है गंगखर प्यूनसम याद रखेंगे भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है गंगखर प्यूनसम ऑप्शन ए याद रखेंगे तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर करें आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे निम्नलिखित में से किस देश के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है सॉरी किस राज्य के साथ तो इंपॉर्टेंट सवाल आपको बता ही चुके हैं पूछा है किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है तो आप जानते हैं बांग्लादेश जो है पांच भारतीय राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करता है याद रखेंगे बांग्लादेश अपनी सीमा साझा करता है पांच राज्य के साथ ठीक है बांग्लादेश जो है पांच राज्य के, के साथ अपनी सीमा साझा करता है बांग्लादेश जो है पांच राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है तो कौन कौन सा राज्य है तो याद रखना है पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल के साथ उसके अलावा याद रखेगा आसाम के साथ बांग्लादेश अपनी बॉर्डर शेयर करता है मेघालय के साथ याद रखेंगे मेघालय के साथ भी बांग्लादेश अपनी बॉर्डर शेयर करता है त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश अपना बॉर्डर शेयर करता है और याद रखना है कि इसके अलावा मिजोरम मिजोरम के साथ भी बांग्लादेश अपना बॉर्डर शेयर करता है तो याद रखेंगे बांग्लादेश पांच भारतीय राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश पश्चिम बंगाल आसाम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के साथ बॉर्डर शेयर करता है ठीक है तो है ठीक समझ में आया तो यहां पे पूछा गया कि बांग्लादेश किस राज्य के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है तो आंसर हो जाएगा नागालैंड ऑप्शन नंबर ए तो बांग्लादेश किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है तो याद रखेंगे नागालैंड ऑप्शन नंबर ए ठीक है इंपॉर्टेंट सवाल है पूछ सकता है एल ए सी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच एक प्रभावी सीमा है तो आप जानते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच में आंसर ऑप्शन डी कौन सा भारतीय राज्य अपने उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा है कौन सा भारतीय राज्य अपने उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा है तो आप जानते हैं त्रिपुरा त्रिपुरा जो है तीनों ओरों से बांग्लादेश से घिरा है त्रिपुरा राज्य जो है तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है तो याद रखेंगे पूछेगा कौन सा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है तो याद रखना है कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है त्रिपुरा ठीक है पूछेगा कौन सा भारतीय राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है तो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है त्रिपुरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है तो याद रखना है भारत सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है ठीक है भारत सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ भारत सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ ठीक है भारत सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ तो पड़ोसी देशों में भारत जो है अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ केवल एक केंद्र शासित प्रदेश जो है बॉर्डर शेयर करता है तो याद रखना है अफगानिस्तान के साथ केवल लद्दाख बॉर्डर शेयर करता है केवल लद्दाख बॉर्डर शेयर करता है ठीक है अफगानिस्तान के साथ केवल लद्दाख सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ केवल लद्दाख सीमा साझा करता है इसको आप याद रखिएगा अफगानिस्तान के साथ केवल लद्दाख सीमा साझा करता है ठीक है और कितना किलोमीटर है की लंबाई कितनी है 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ केवल लद्दाख सीमा साझा करता है भारत अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है याद रखेंगे ठीक है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक किलोमीटर विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान पाकिस्तान में स्थित है आपको बताना है विश्व का सबसे ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान पाकिस्तान में स्थित है ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए सांदूर याद रखेंगे विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान सांदूर कहां स्थित है पाकिस्तान में विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान सांदूर कहां स्थित है पाकिस्तान में ऑप्शन ए गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है आंसर करेंगे गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है ऑप्शन ए यमुना और तीस्ता ऑप्शन बी घग्गर और तीस्ता ऑप्शन सी घग्गर और भागीरथी ऑप्शन डी गंगा और तीस्ता तो गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला है तो याद रखेंगे गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला है गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला है ऑप्शन बी कौन सी नदी बेसिन पैंसठ किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला है जिसमें से लगभग ८० प्रतिशत महाराष्ट्र में स्थित है तो कौन सा नदी बेसिन का ८० प्रतिशत भाग जो है महाराष्ट्र में है आपको यह बताना है तो सही आंसर क्या होगा तापी आंसर क्या होगा ऑप्शन डी तापी तापी या ताप्ती नदी का अस्सी प्रतिशत भाग जो है महाराष्ट्र में है आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी याद रखेगा नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है तो इंपॉर्टेंट है आपको बताना है कि नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है ठीक है अब ब्रह्मपुत्र नदी से बहुत सारा सवाल बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है तो याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिमानी से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिमानी से निकलती है याद रखिएगा अगला याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा के निकट मध्य हिमालय को काटती हुई यांगयाप दर्रा के दक्षिण दिशा में मुड़कर यू टर्न लेते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तो इंपॉर्टेंट है कहां से निकलता है ब्रह्मपुत्र नदी तो याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिमानी से निकलती है अगला सवाल पूछेगा कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले भारत में कहां प्रवेश करता है तो याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ठीक है तो नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सांपू कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो या सांपू कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को आसाम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है याद रखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना अरुणाचल प्रदेश में दिहांग तिब्बत में सांगपु या सांपू याद रखेगा ठीक है तो नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र नदी में ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश याद रखेगा कौन सी नदी बेसिन आठ लाख साठ हजार किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करती है और ग्यारह भारतीय राज्यों में फैली है तो कौन सी नदी बेसिन जो है ग्यारह भारतीय राज्यों में फैली हुई है आपको बताना है तो सही आंसर होगा गंगा बेसिन तो गंगा बेसिन आठ लाख साठ हजार किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करती है और ग्यारह भारतीय राज्यों में फैली है आंसर ऑप्शन बी तो क्लास को फटाफट शेयर कीजिएगा मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू पास कौन सी नदी निकलती है तो आंसर करना है मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है आप जानते हैं मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नदियां बहती है भारत में सबसे अधिक नदी मध्य प्रदेश राज्य से बहती है मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है सबसे अधिक नेशनल पार्क कहां पे है मध्य प्रदेश में है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक फॉरेस्ट कहां पे है मध्य प्रदेश में है याद रखिएगा तो मध्य प्रदेश के मालवा पाठार में पूछेगा मालवा का पाठार कहां है मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश के मालवा पाठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है आपका आंसर क्या हो जाएगा चंबल नदी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंबल नदी तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास से चंबल नदी का उद्गम होता है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंबल नदी निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है आपको बताना है दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी है तो आप आंसर करेंगे इनमें से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है पहला सवाल पूछेगा दामोदर नदी कहां से निकलती है तो याद रखना है कि दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार झारखंड के पलामू जिले से निकलती है दामोदर नदी कहां से निकलती है तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार झारखंड के पलामू जिले से निकलती है याद रखेंगे तो कौन कौन बच्चे यहाँ पे झारखंड से है और कौन कौन बच्चे यहाँ वेस्ट बंगाल और बिहार से है फटाफट क्लास को एक बार शेयर कीजिएगा और बाद में क्लास में अगर टाइम मिलेगा तो कभी कमेंट भी कीजिएगा तो यहां पूछेगा दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी बराकर ठीक है दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी है बराकर तो झारखंड के बच्चे बिहार के बच्चे और वेस्ट बंगाल के बच्चे इस क्वेश्चन को जानते होंगे दामोदर नदी से क्वेश्चन पूछता है जो क्योंकि स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है वहां पर ये सवाल पूछता है तो दामोदर नदी याद रखना है कि झारखंड के पलामू जिले के पास जो छोटा नागपुर का पठार है झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है तो झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है दामोदर नदी और याद रखना है कि बराकर जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है और आपको पता है कि दामोदर को पहले बंगाल का शोक कहा जाता था दामोदर नदी को पहले बंगाल का शोक कहा जाता था तो ये क्वेश्चन पूछेगा बंगाल का शोक किसे कहा जाता है या कहा जाता था तो बंगाल का शोक कहा जाता था दामोदर नदी को याद रखिएगा अगला सवाल पूछेगा दामोदर नदी कहां बहती है तो दामोदर नदी रिफ्ट घाटी में बहती है याद रखेंगे दामोदर नदी रिफ्ट घाटी में बहती है और कोयला का प्रचुर भंडार क्षेत्र है ये दामोदर नदी घाटी पूछेगा आप जानते हैं झारखंड में कोयला का बहुत उत्पादन होता है ठीक है झरिया आप जानते होंगे झरिया धनबाद ठीक है कोयला के लिए बहुत फेमस है इसके अलावा वेस्ट बंगाल का रानीगंज कोयला उत्पादन के लिए काफी फेमस है वेस्ट बंगाल का रानी रानीगंज और झारखंड का झरिया जो कि धनबाद में है ठीक है तो कोयला के पर... कोयला के प्रचुर भंडार हेतु प्रसिद्ध है दामोदर घाटी बेसिन याद रखेंगे और याद रखना है दामोदर नदी जो है काफी ज्यादा गंदा है अति प्रदूषित अति प्रदूषित नदी की श्रेणी में दामोदर नदी को रखा जाता है इंपॉर्टेंट है पूर्वी की ओर बहने वाली दामोदर ऐसी नदी है जिसमें निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी है याद रखेगा ठीक है तो दामोदर की प्रमुख सहायक नदी हो गया बराकर बोकारो कोनार जमुनिया ठीक है दामोदर की प्रमुख सहायक नदी है बराकर बोकारो कोनार और जमुनिया याद रखेंगे तो आंसर क्या होगा ऑप्शन डी प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पुनी के नाम से जाना जाता था जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है तो आंसर करना है प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पुनी के नाम से जाना जाता था जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्वी दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है तो आंसर करें इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कावेरी नदी ठीक है आंसर क्या होगा कावेरी नदी याद रखिएगा तो कावेरी नदी को पहले तमिल में पुनी के नाम से जाना जाता था याद रखेंगे कावेरी नदी को प्राचीन काल में तमिल में पुनी नदी के नाम से जाना जाता था कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है याद रखेंगे कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है और कावेरी नदी के ऊपर शिव समुद्रम जलप्रपात है याद रखेंगे कावेरी नदी के ऊपर शिव समुद्रम जलप्रपात है हेमावती हेमांगी ठीक है हेमावती हेमांगी कावेरी की सहायक नदी है याद रखना है कावेरी की सहायक नदी है हेमावती हेरांगी भवानी अमरावती ये सब कावेरी की सहायक नदी है ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी याद रखेगा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये बनता है पूछेगा कौन सी ऐसी नदी है जो कि याद रखना है कि हिमालयी नदियों की तरह कावेरी नदी जो है सदा नीरा नदी है ठीक है तो याद रखेंगे ऊपरी घाट में दक्षिण पश्चिम मानसून तथा निचली घाट में उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा वर्ष जल की उपलब्धता के कारण कावेरी नदी सदानीरा नदी है जो प्रायद्वीपीय नदियों में एक अपवाद है तो एकमात्र ऐसी प्रायद्वीपीय नदी है जहां पे सालों भर पानी यानी बारिश हो मतलब सालों भर यहां पे पानी रहता है तो पूछेगा एकमात्र प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है जहां पर सालों भर बारिश मतलब सालों भर पानी पाया, होता है उसमें नदी में तो याद रखना है कावेरी नदी एकमात्र प्रायद्वीपीय नदी है जो कि एक सदानीरा नदी है सालों भर इसके नदी में पानी पाया जाता है ठीक है इंपॉर्टेंट है आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है फटाफट आंसर करेंगे बहुत क्वेश्चन है गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है तो सही आंसर होगा गंडक नदी ठीक है तो याद रखना है गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है तो आंसर हो जाएगा गंडक नदी ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला है तो कृष्णा नदी कहां से निकलती है आप जानते हैं कि कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट यानी पश्चिमी घाट यानी सहयाद्री पर्वत ठीक है तो याद रखना है कि कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट सहयाद्री में महाबलेश्वर के पास से होता है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहयाद्री श्रृंखला से निकलती है कृष्णा नदी ठीक है तो कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट यानी सहयाद्री पर्वत के पास से महाबलेश्वर से निकलती है अगर पूछेगा कि कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो तुंगभद्रा याद रखेंगे तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है याद रखिएगा तुंगभद्रा कोयना घाट प्रभा मालप्रभा मूसी और भीमा कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी तुंगभद्रा कोयना घाट प्रभा मालप्रभा मूसी और भीमा याद रखिएगा तो आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी का उद्गम सहयाद्री श्रृंखला ऑप्शन नंबर बी तो क्लास को फटाफट शेयर करें आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है तो आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है तो आप जानते हैं कि नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूछेगा नर्मदा नदी कहां से निकलती है तो आप जानते हैं कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है उसके बाद नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी होकर बहती है तो पूछेगा कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है किस राज्य में है

डी तो याद रखेंगे कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है तुंग भद्रा कोयना घाट प्रभा माल प्रभा मूसी और भीमा ठीक है तो मूसी किसकी सहायक नदी है तो मूसी कृष्णा की सहायक नदी है याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है अगर आपसे पूछे कावेरी की सहायक नदी तो इंपॉर्टेंट क्या क्या बनेगा हेमावती हेमावती हेरांगी आमरावती कावेरी की सहायक नदी है याद रखिएगा सुवर्णवती भी कावेरी की सहायक नदी है याद रखिएगा पूछ सकता है एग्जाम में ठीक है समझ में आया तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर करेंगे गंगा की सहायक नदी तो बहुत सारा है जैसे पूछेगा गंगा की सहायक नदी तो रामगंगा, गोमती घाघरा गंडक कोसी महानंदा यमुना सोन ये सब क्या है गंगा की प्रमुख सहायक नदी है याद रखेगा तो मूसी जो है कृष्णा की सहायक नदी है ऑप्शन नंबर डी नासिक त्रम्बक और नासिक त्रम्बकेश्वर और भद्राचलम के तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है नासिक त्रंबिकेश्वर और भद्राचलम के तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है तो आप जानते हैं आंसर क्या होगा इसका बता देंगे तो गोदावरी आंसर क्या होगा गोदावरी क्योंकि आप पढ़े होंगे गोदावरी नदी कहां से निकलती है तो याद रखना है गोदावरी नदी मास याद रखना है गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रंबिकेश्वर नामक स्थान से निकलती है तो 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 क्या है 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 नासिक नासिक है? तो यहीं से आंसर हो जाएगा तो याद रखना है कि नासिक, के और के के तीर्थ स्थल किस नदी तट पर स्थित गोदावरी नदी के तट पर स्थित है गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है याद रखना है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है और याद रखेंगे कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रंबिकेश्वर नामक स्थान से निकलती है गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है याद रखेंगे इसके अलावा इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है तो पूर्णा वर्धा मंजरा पेनगंगा वेनगंगा इंद्रावती गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है फिर से सुनिएगा गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है पूर्णा वर्धा मंजरा पेनगंगा वेनगंगा इंद्रावती सबरी इत्यादि गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है नासिक त्रंबिकेश्वर और भद्राचल तीर्थस्थल गोदावरी नदी के तट पर स्थित है आंसर ऑप्शन नंबर बी निम्नलिखित में से किस नदी को व्याध भी कहा जाता है आपको बताने किस नदी को किस नदी को व्याथ भी कहा जाता है इंपॉर्टेंट सवाल है किस नदी को व्याथ भी कहा जाता है तो आपको याद रखना है झेलम झेलम नदी को व्याथ भी कहा जाता है याद रखेंगे झेलम नदी को व्याथ भी कहा जाता है झेलम नदी कहां से निकलती है तो याद रखेंगे झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बैरीनाग वेर, झील के निकट से निकलती है याद रखेंगे झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बैरीनाग झील के निकट से निकलती है झेलम नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है झेलम नदी को समझ में आया याद रखना है पहले याद क्या रखना है झेलम नदी कहां से निकलती है तो याद रखना है कि झेलम नदी को झेलम नदी जो है जम्मू कश्मीर में वैरीनाग के निकट से वैरीनाग झील के निकट से निकलता है झेलम नदी ठीक है अगला याद रखना है कि पूछेगा कौन सी नदी है जो कि वुलर झील से होकर बहती है तो झेलम नदी जो है वुलर झील से होकर बहती है समझ में आ रहा है तो झेलम नदी वुलर झील से होकर बहती है वुलर झील कहां पे है जम्मू कश्मीर में आप जानते ही हैं तो झेलम नदी वुलर झील से होकर बहती है झेलम नदी वैरीनाग झील के पास से निकलती है श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे बसा है श्रीनगर शहर जो है झेलम नदी के किनारे बसा है श्रीनगर याद रखिएगा और और याद रखना है कि झेलम नदी जो है कुछ दूर तक भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ बहती है ठीक है तो झेलम नदी के किनारे बसा है श्रीनगर और झेलम नदी को व्याथ भी कहा जाता है आंसर ऑप्शन नंबर ए निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है और एक चीज याद रखिएगा पाकिस्तान की नीलम नदी कहा जाता है किशन गंगा को ठीक है और किशन गंगा जो है झेलम की सहायक नदी है याद रखेंगे कि पाकिस्तान की नीलम नदी कहा जाता है किशन गंगा को और किशन गंगा जो है झेलम की सहायक नदी है तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा ठीक है निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी है तो प्रायद्वीपीय नदी कौन सा है नर्मदा नर्मदा जो है प्रायद्वीपीय नदी है पूछेगा इनमें से कौन प्रायद्वीपीय नदी है तो याद रखना है कि नर्मदा क्या है प्रायद्वीपीय नदी है ठीक है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी और आप जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत की पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तो याद रखना है गोदावरी ठीक है तो नर्मदा क्या है प्रायद्वीपीय नदी है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है अगर आपसे पूछ दे कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी है तो याद रखना है साबरमती माही नर्मदा ताप्ती और पेरियार पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती है आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय नदी है नर्मदा निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वैरीनाग के एक झरने से निकलती अभी है अभी तुरंत पढ़ाएं कि कौन सी ऐसी नदी है जो कि जम्मू कश्मीर में वैरीनाग झील के पास से निकलती है तो आप पढ़ें झेलम नदी तो याद रखना है कि झेलम नदी कश्मीर के वैरीनाग झील के पास से निकलती है इतना याद नहीं रखना है कि दक्षिण पूर्वी भाग से निकलती है बस आपको याद क्या रखना है कि बैरीनाक झील के पास से निकलती है अब बैरीनाग झील कहां पे है तो आप जानते हैं कश्मीर में है तो याद रखना है कि झेलम नदी कश्मीर के वैरीनाग झील के पास से निकलती है ठीक है तो आंसर होगा झेलम नदी अगर पूछेगा व्यास नदी कहां से निकलती है तो याद रखना है व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है चेनाब पूछेगा तो चंद्रा एवं भाव का याद रखना है

हुडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपर है तो आपको बताना हुरू जलप्रपात किस नदी के ऊपर है ऑप्शन ए दामोदर ऑप्शन बी सोन ऑप्शन सी महानदी ऑप्शन डी रेखा, ठीक है तो आंसर करेंगे हुनरू जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है और जो बच्चे झारखंड से बिलोंग करते होंगे झारखंड से और बिहार से ये क्वेश्चन जा, जानते होंगे जनरली क्योंकि पूछा जाता है झारखंड और बिहार का जो स्टेट लेवल का एग्जाम होता है उसमें ये सब सवाल पूछता है तो हनरू जलप्रपात आप जानते हैं झारखंड में है और स्वर्ण रेखा नदी के नदी के किनारे है तो याद रखेंगे हुनरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है और ये झारखंड में ठीक है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अगर आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो याद रखेगा कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात ठीक है कुंचिकल जलप्रपात कहां पे है कर्नाटक में है वराही नदी के किनारे वराही नदी के ऊपर तो अगर आपसे पूछे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी के ऊपर है कर्नाटक में है याद रखिएगा अगर आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग जलप्रपात जोग जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है समझ में आया तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात महात्मा गांधी जलप्रपात या घरसपा जलप्रपात याद

चलिए तो समझ में आया जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी के नदी के किनारे है ऑप्शन नंबर डी निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है तो आपको बताना है कौन सी नदी है जो पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है ठीक है तो आंसर क्या होगा तीस्ता याद रखेंगे तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है ठीक है तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निम्नलिखित में से कौन सी हिमपात वाली नदी है आपको बताना इनमें से कौन सी हिमपात वाली नदी है इनमें से कौन सी हिमपात वाली नदी है आंसर करेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यमुना हिमपात वाली नदी कौन सी है यमुना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निम्नलिखित में से हिमपात वाली नदी कौन सी है यमुना ऑप्शन ए निम्नलिखित तो में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है अभी थोड़ी देर पहले बताएं कि कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात किस नदी के ऊपर है आपको बताना ये तो बहुत क्वेश्चन पूछता है इसलिए हम बता दिए आपको तो कुंचिकल जलप्रपात पूछेगा तो याद रखना है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात ठीक है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछेगा तो याद रखना है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है कर्नाटक में है ये और ये वराही नदी के ऊपर है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में वराही नदी के ऊपर है याद रखेंगे ठीक है और भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात या गरसुप्पा जलप्रपात सरावती नदी के ऊपर कर्नाटक में है याद रखेंगे नर्मदा नदी के ऊपर दुग्ध धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी के ऊपर कपिल धारा जलप्रपात प्रदेश में है नर्मदा नदी के ऊपर तो धुआंधार जलप्रपात दुग्ध धारा जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी के ऊपर है प्रदेश में याद रखेगा अगर पूछेगा आपसे हुंडरू जलप्रपात तो हुंडरू जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर है झारखंड में है हुंडरू जलप्रपात अगला पूछ सकता है शिव समुद्रम जलप्रपात तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के ऊपर कर्नाटक में है याद रखेंगे शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के ऊपर कर्नाटक में है इंपॉर्टेंट है पूछता है दसम जलप्रपात कांची नदी के ऊपर है झारखंड में है दसम जलप्रपात कांची नदी के ऊपर झारखंड में है याद रखिएगा गौतम धारा जलप्रपात जिसे जोनहा जलप्रपात भी कहा जाता है तो गौतम धारा जलप्रपात या जोनहा जलप्रपात रारू नदी के ऊपर झारखंड में स्थित है याद रखेंगे ठीक है तो यहां आंसर क्या होगा ऑप्शन बी वराही निम्नलिखित में से कौन गंगा की एक सहायक नदी है आपको बताना इनमें से कौन गंगा की सहायक नदी है तो फटाफट आंसर करेंगे गंगा की सहायक नदी कौन सी है घाघरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है घाघरा ऑप्शन नंबर सी कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है आप जानते हैं इनमें से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है तो कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है कांडला बंदरगाह कहां पे है गुजरात में तो याद रखेंगे कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है, ज्वारी है कांडला बंदरगाह गुजरात में तूती बंदरगाह कहां पे है तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह कहां पे है तमिलनाडु में तो तूती बंदरगाह कहां पे है तमिलनाडु में है चेन्नई बंदरगाह कहां पे है तमिलनाडु में है कांडला बंदरगाह कहां पे है गुजरात में है विशाखापट्टनम बंदरगाह कहां पे है आंध्र प्रदेश में है याद रखिएगा तो सबसे ज्वारीय बंदरगाह है भारत का एक ज्वारीय बंदरगाह है कांडला बंदरगाह गुजरात में ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 में जल विवाद न्यायाधिकरण के साथ निम्नलिखित में से किस नदी का नाम जुड़ा है तो बहुत ही अच्छा सवाल है आंसर करेंगे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से उन्नीस में जल विवाद न्यायाधिकरण के साथ किस नदी का नाम जुड़ा हुआ है आंसर करेंगे तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी कावेरी नदी तो कावेरी नदी से सवाल क्या क्या याद रखना है कि कावेरी नदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच है तो कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु पुदुचेरी केरल और कर्नाटक राज्य के बीच है ठीक है तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है कावेरी नदी जल विवाद समझ में आया तो कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु केरल कर्नाटक और पुदुचेरी राज्य के बीच में है याद रखिएगा और कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी के ऊपर है आपका शिव समुद्र जलप्रपात याद रखेंगे और कावेरी नदी जो है सदा नीरा नदी है याद रखेंगे सालों भर इसमें पानी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है ठीक है और कावेरी नदी के किनारे है सिरंगपट्टनम आप जानते हैं सिरंगपट्टनम शहर जो है कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है याद रखेंगे तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कावेरी निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है तो याद रखना है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है गंगा पूछेगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है तो गंगा ब्रह्मपुत्र 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 जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है इसके अलावा याद रखना है गोदावरी 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 जो है याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है ठीक है महानदी याद रखना है महानदी आंसर हो जाएगा महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है ऑप्शन नंबर बी इसके अलावा याद रखना है कृष्णा कृष्णा जो है याद रखना है बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है स्वर्ण रेखा स्वर्णरेखा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है स्वर्ण रेखा समझ में आ रहा है स्वर्णरेखा बंगाल की खाड़ी में गिरती है वैगई वैगई नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है बैतरनी वैतरनी नदी आप लोग सुनते होंगे नाम वैतरनी नदी याद रखना है वैतरनी नदी ये भी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है इसके अलावा ब्राह्मी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी महानदी स्वर्णरेखा कृष्णा कावेरी वेगई वैतरणी और ब्राह्मी नदी इंपॉर्टेंट है पूछता है ठीक है समझ में आया तो इसको आप याद रखिएगा नदियां हैं गोदावरी गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी स्वर्णरेखा कृष्णा कावेरी वेगई और बैतरनी और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है याद रखेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर करें आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है तो आपको बताना इनमें से कौन सा डैम मध्य प्रदेश में स्थित है इनमें से कौन सा डैम मध्य प्रदेश में स्थित है आंसर करेंगे तो सही आंसर क्या होगा याद रखना है तवा डैम तवा डैम कहां पे है मध्य प्रदेश में है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूछेगा इनमें से कौन सा डैम मध्य प्रदेश में है तो याद रखेंगे तवा डैम मध्य प्रदेश में है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब मध्य प्रदेश में तवा डैम है याद रखिएगा अगर आपसे पूछेगा यहां से भी बहुत सारा सवाल आपका बन सकता है एग्जाम में जैसे गांधी सागर डैम कहां पर है तो याद रखना है गांधी सागर डैम है मध्य प्रदेश में पूछेगा गांधी सागर डैम कहां पर है तो चंबल नदी के ऊपर गांधी सागर डैम है मध्य प्रदेश में इसको आप याद रखिएगा पूछता है अगला आपसे पूछ सकता है तिलैया डैम तो याद रखना है तिलैया डैम बराकर नदी के ऊपर है झारखंड में तिलैया डैम बराकर नदी के ऊपर है झारखंड में टिहरी डैम पूछेगा तो याद रखना है टिहरी डैम भागीरथी और तिला... याद रखना है टिहरी डैम भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है टिहरी डैम उत्तराखंड में है टिहरी डैम उत्तराखंड में है टिहरी डैम भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे है याद रखिएगा सलाल परियोजना पूछेगा तो चिनाब नदी के ऊपर है सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में सलाल परियोजना चिनाब नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर में याद रखेंगे बगलिहाल परियोजना चिनाब नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर में दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर में ठीक है तो चिनाब नदी के ऊपर कौन कौन सा परियोजना हो गया तो याद रखना है चिनाब नदी के ऊपर सलाल परियोजना चिनाब नदी के ऊपर बगलिहाल परियोजना चिनाब नदी के ऊपर

ए. चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन बहुत सारा इसलिए थोड़ा जल्दी बता रहे हैं जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल कहलाता है आंसर करेंगे जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल क्या कहलाता है आंसर करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी जलभृत तो याद रखेंगे जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा भूजल क्या कहलाता है जलवृत्त कहलाता है ऑप्शन नंबर डी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी स्पीति नदी है तो आपको बताना है किस नदी की सहायक नदी स्पीति नदी है किस नदी की सहायक नदी स्पीति नदी है तो याद रखना है सतलुज आंसर क्या होगा ऑप्शन सी याद रखेंगे सतलुज ठीक है तो सतलुज नदी की सहायक नदी है स्पीति नदी सतलुज नदी की सहायक नदी है स्पीति नदी याद रखेंगे सतलुज नदी कहां से निकलती है तो सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से निकलती है सतलुज नदी के किनारे लुधियाना और फिरोजपुर शहर बसा हुआ है सतलुज नदी के किनारे लुधियाना और फिरोजपुर शहर बसा हुआ है याद रखेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सतलुज निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है तो आपको बताना है कि इनमें से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है इंपॉर्टेंट सवाल है आपको बताना है यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है आप जानते हैं यमुना नदी बंदरपूं श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है यमुना नदी बंदर पूछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है याद रखेंगे और यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है अगर आपसे पूछेगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना याद रखेंगे और यमुना की सहायक नदी कौन सी है तो आपका आंसर क्या होगा बताएंगे तो याद रखना यमुना की सहायक नदी है चंबल आंसर क्या होगा चंबल यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है पूछेगा तो यमुना की सहायक नदी है चंबल बेतवा केन टोंस ठीक है तो याद रखना है कि यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं चंबल बेतवा केन टोंस इत्यादि तो आंसर हो जाएगा चंबल ऑप्शन नंबर डी निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है आपको बताना इनमें से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है इनमें से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है आंसर करेंगे तो यहां से आंसर होगा नर्मदा नर्मदा नदी जो है नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है तो नर्मदा नदी कहां से निकलती है तो आप जानते हैं कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है तो मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि अमरकंटक की पहाड़ी है वहां से निकलती है नर्मदा नदी तो आंसर क्या हो जाएगा नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है नर्मदा नदी नर्मदा नदी कहां से निकलती है तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है उसके अलावा कोसी गंडक और घाघरा तो कोसी गंडक और घाघरा नेपाल हिमालय से निकलती है तो याद रखिएगा अगर पूछ देगा कि कोसी गंडक और घाघरा नदी कहां से निकलती है तो कोसी गंडक और घाघरा नदी नेपाल हिमालय से निकलती है याद रखेंगे ठीक है तो आंसर तो आंसर ऑप्शन बी क्लास क्लास को को फटा फटाफट आप 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 लोग लोग शेयर करें करें सभी से रिक्वेस्ट करेंगे क्लास को आप लोग सपोर्ट करें। निम्नलिखित में से किस नदी पर पाकिस्तान डायमर बासा बांध नाम का बांध बना रहा है तो आपको बताना है किस नदी पर पाकिस्तान जो है डायमर बासा नाम का बांध बना रहा है ठीक है तो आंसर करेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास खत्म होने के बाद किसी तरह का आपको सजेशन देना होगा जैसे किस प्रकार से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं जैसे अभी थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं ठीक है तो ठीक है डिटेल में तो वैसे पढ़ाते ही हैं आप लोग जो रेगुलर आते हैं उनको तो पता ही होगा कि डिटेल में पढ़ाते हैं लेकिन इसके अलावा कोई और सजेशन देना होगा तो वो भी आप लोग सजेशन दीजिएगा ठीक है और क्लास को भी सपोर्ट कीजिएगा तो यहां पे पूछा है किस नदी पर पाकिस्तान डायमर बासा बांध का निर्माण कर रहा है तो आंसर क्या होगा ऑप्शन ए सिंधु नदी याद रखेंगे कि सिंधु नदी के ऊपर पाकिस्तान डायमर बासा बांध का निर्माण कर रहा है सिंधु नदी कहां से निकलती है तो याद रखना है सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट सिंगी खम्बान हिमनद से निकलती है सिंधु नदी कहां से निकलती है तो सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट सिंगी खम्बान हिमनद से निकलती है सिंधु नदी अरब सागर में जाकर मिलती है याद रखिएगा ठीक है और याद रखना है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है लेह शहर लद्दाख का जो लेह जिला है याद रखना है लद्दाख का लेह जिला जो है सिंधु नदी के किनारे बसा है ठीक है तो आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के ऊपर पाकिस्तान डायमर बासा बांध का निर्माण कर रहा है ऑप्शन ए निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है तो इसको तो आंख मुन के आंसर कर सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है तो याद रखना है विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है जो गंगा नदी के साथ मिलकर आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आप जानती हैं कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलकर जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाता है तो याद रखेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या दो आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है पूछेगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या दो सादिया से धुबरी तक किस नदी के ऊपर स्थित है तो याद रखना है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या दो सादिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया गया है और ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी है माजुली। पूछेगा माजुली नदी द्वीप कहां पे है तो याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है यह असम राज्य में स्थित है ठीक है तो यहां आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ऑप्शन सी कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है आंसर करेंगे कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है तो आप जानते हैं कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलेरू झील कहां पे है आंध्र प्रदेश में पूछेगा वैमनाथ झील कहां पे है तो आप जानते हैं भारत की सबसे लंबी झील है वैमनाथ झील वैमनाथ झील केरल में है भारत की सबसे लंबी झील है वैमनाथ झील याद रखेंगे अष्टमुडी झील कहां पर है तो अष्टमुड़ी झील याद रखना है केरल में है अष्टमुडी झील पूछेगा अष्टमुडी झील कहाँ पे है तो अष्टमुड़ी झील भी केरल में है तो वेमनाद झील भारत की सबसे लंबी झील है केरल में है अष्टमुड़ी झील केरल में है याद रखेंगे बहुत पूछा जाता है ठीक है और आपको पता होगा वैमनाथ झील वैमना झील में दो द्वीप है वेलिंगटन और वलार पदम याद रखेंगे वैमनाथ झील में दो द्वीप वेलिंगटन और वलार पदम है नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता प्रतिवर्ष ओनम पर्व के अवसर पर आयोजित किया जाता है तो याद रखना है कि नेहरू ट्रॉफी दिया जाता है नौकायान प्रतियोगिता में ओनम पर्व के अवसर पर नौकायान प्रतियोगिता केरल में आयोजित किया जाता है ठीक है तो वैमनाथ झील केरल में है अष्टमुडाई झील केरल में है याद रखिएगा झील से भी बहुत सारा सवाल बनता है आपके एग्जाम में जैसे आपसे पूछ देगा कि कोडाई कनाल झील कहां पे है ठीक है कोडाई कनाल झील कहाँ पे है तो याद रखना है तमिलनाडु में है, कोडाई कनाल झील अगला आपसे पूछ सकता है ध्यान दीजिएगा सूरजकुंड झील कहां पे है तो हरियाणा में है सूरजकुंड झील नल सरोवर झील कहां पे है गुजरात में है नल सरोवर झील ठीक है गुजरात में है नल सरोवर झील अगर पूछेगा नैनीताल झील कहां पे है उत्तराखंड में भीमताल झील कहां पे है उत्तराखंड में खुरपताल झील कहां पे है उत्तराखंड में रूपकुंड झील कहां पे है उत्तराखंड में नोकुछियाताल झील कहां पे है उत्तराखण्ड में तो आप जानते हैं उत्तराखंड में नैनीताल भीमताल नोकुचिया नोकुछियाताल खुरपताल और रूपकुंड झील है याद रखेंगे ठीक है अगला बनता है इंपॉर्टेंट आपका एक तो याद रखना है कि आसाम में कौन सा झील है इंपॉर्टेंट बनेगा याद है आसाम में एक याद रखना है दीपोर बिल झील दीपोर बिल झील आसाम में है और हॉफलोंग झील आसाम में है। ठीक है तो दीपोर बिल झील और हॉफलोंग झील आसाम में है याद रखिएगा लोकटक झील मणिपुर में है लोकटक झील मणिपुर में है डल झील जम्मू कश्मीर में है वुलर झील जम्मू कश्मीर में है अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में नागिन झील जम्मू कश्मीर में है बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में है शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में नाग वाला झील सब कहां पे है जम्मू कश्मीर में है तो डल झील वुलर झील अनंतनाग झील नागिन झील बेरीनाग झील और शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है याद रखिएगा पेंगोंग झील कहां पे है तो पेंगोंग झील लद्दाख में है याद रखेगा पेंगोक जिल कहां पे है लद्दाख में है पूछेगा पे है तो है तो मणिपुर में याद रखेंगे तो कोलेरू जिल कहां पे है आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर सी तो क्लास को फटाफट शेयर कीजिएगा आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में है तो आपको बताना इनमें से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में है ठीक गोवा राज्य में कौन सा जलप्रपात है आपको बताना है तो याद रखेंगे दूध सागर जलप्रपात दूध सागर जलप्रपात कहां लिखा है तो दूध सागर जलप्रपात गोवा राज्य में और दूध सागर जलप्रपात किस नदी के ऊपर है तो याद रखना है इस सवाल को कि दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी के ऊपर है ठीक है दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी के ऊपर गोवा में तो दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी के ऊपर गोवा में ठीक है दूध सागर जलप्रपात कहां है गोवा में है मांडवी नदी के ऊपर अगर आपसे पूछे शिव समुद्र जलप्रपात याद रखना है शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी के ऊपर है कर्नाटक में शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी के ऊपर है कर्नाटक में याद रखेंगे ठीक है इंपॉर्टेंट है पूछता है गोकक जलप्रपात पूछेगा तो गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी के ऊपर है कर्नाटक में गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी के ऊपर है कर्नाटक में याद रखिएगा दादुमा जलप्रपात पूछेगा जो ऑप्शन बी में लिखा है दादुमा जलप्रपात तो दादुमा जलप्रपात मच्छ कुंड नदी के किनारे है ओडिशा में समझ में आया तो चारों ऑप्शन बता दिए पूछेगा दूध सागर जलप्रपात गोवा में है मांडवी नदी के किनारे शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के ऊपर है कर्नाटक में अगला पूछेगा गोकक जलप्रपात तो याद रखना है गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी के किनारे कर्नाटक में है डुडुमा जलप्रपात मच्छ कुंड नदी के किनारे ओडिशा राज्य में स्थित है याद रखेगा तो यहां आंसर हो जाएगा कौन सा जलप्रपात गोवा में है दूध सागर ऑप्शन नंबर ए तो क्लास में रेगुलर रहे आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में है तो आप जानते हैं गुजरात में कौन सा बंदरगाह है तो कांडला बंदरगाह गुजरात में है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है जो कि गुजरात में स्थित है कौन सी नदी कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है आपको बताना इनमें से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है ठीक है गंगा की सहायक नदी नहीं है तो कौन है पैन गंगा पैन गंगा किसकी सहायक नदी आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहां बच्चा कंफ्यूज करता है क्योंकि लास्ट में गंगा लिखा हुआ है तो जैसे देखते हैं गंगा लिखा हुआ है तो हम लोग आंसर कर देते हैं कि गंगा की सहायक नदी होगी लेकिन यह गलत हो जाएगा ठीक है तो आप आंसर करेंगे इसका आंसर कि पैन गंगा किसकी सहायक नदी है याद होगा तो आंसर कर दीजिए पैन गंगा किसकी सहायक नदी है तो पैन गंगा पूरा अच्छा से हिंदी में नहीं लिखा है इंग्लिश में से लिखा है पैन गंगा तो याद रखना है पैन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है ठीक है गोदावरी की सहायक नदी है तो गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है तो पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है वेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है पैनगंगा वैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है तो इंद्रावती किसकी सहायक नदी है गोदावरी की सहायक नदी है ठीक है समझ में आ रहा है सबरी पूछेगा तो सबरी गोदावरी की सहायक नदी है पूर्णा पूछेगा पूर्णा भी गोदावरी की सहायक नदी है ठीक है और भी बहुत सारा है तो याद रखना है गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है पूर्णा वर्धा मंजरा पेनगंगा वेनगंगा इंद्रावती सबरी इत्यादि गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है ठीक है और गंगा की सहायक नदी पूछेगा तो सोन रामगंगा और काली नदी गंगा की सहायक नदी है लेकिन पैन गंगा जो है गोदावरी की सहायक नदी है ऑप्शन नंबर डी निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो राजस्थान में बताना है कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो राजस्थान में कौन सी नदी बहती है आपको पता ही होगा तो आंसर क्या होगा लूनी नदी तो राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी और याद रखना है कि लूनी नदी कहां से निकलती है तो लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम जिले में अरावली की पहाड़ी से निकलती है पूछेगा लूनी नदी किस पहाड़ से निकलता है या कहां से निकलता है तो लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है और लूनी नदी राजस्थान तथा गुजरात में बहते हुए कच्छ के किरण के दलदली भूमि में गायब हो जाती है पूछता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो कच्छ के किरण में गायब जाती तो है तो याद रखना है लूनी नदी राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होते हुए किरण की दलदली भूमि में गायब हो जाती है इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे तो लूनी नदी राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण नदी 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 है है लूनी लूनी कहां से निकलती है? तो नदी, राजस्थान में अरावली की पहाड़ी से निकलती है लूनी नदी राजस्थान और गुजरात होते हुए कच्छ की दलदली भूमि में गायब हो जाती है याद रखेगा लूनी नदी को अंतरवाही नदी कहा जाता है लूनी नदी को लवन नदी के नाम से भी जाना जाता है पूछेगा कौन सा नदी इसे लवन नदी कहा जाता है तो लूनी नदी को लवन नदी के नाम से जाना जाता है लूनी नदी को लवन नदी के नाम से जाना जाता है यह एक अंतर अंतरवाही नदी है, याद रखेगा, पूछता है ठीक रखेगा है? इसका कुछ सहायक नदी भी है जैसे बुंदी सुकुरी, और जवाई लूनी नदी की सहायक नदी है याद रखेंगे आंसर ऑप्शन ए तो सारा कुछ पढ़ाया हुआ है जो अगर रेगुलर है तो सभी को पता होगा चलिए अगला सवाल देखते हैं सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट में स्थित है तो आपको बताना है सिंधु नदी जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट के किधर स्थित है आपको बताना है ठीक है सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के किधर स्थित है तो पश्चिम में स्थित है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे ठीक है और सिंधु की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है तो झेलम चिनाब रावी व्यास और सतलुज सिंधु की प्रमुख सहायक नदी याद रखना है सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं झेलम चिनाब रावी व्यास और सतलुज ठीक है इसके अलावा नुब्रा श्योक जास्कर भी सिंधु की सहायक नदी है तो सिंधु की प्रमुख सहायक नदी झेलम चिनाब, रावी व्यास सतलुज श्योक जास्कर नुब्रा याद रखेगा तो सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के पश्चिम में स्थित है आंसर ऑप्शन नंबर ए कौन कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदी है आपको बता ना इनमें से कौन सी नदी कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदी है तो कर्नाटक के पूर्व की ओर बहने वाली नदी है मांडवी नदी कर्नाटक के पूर्व की ओर बहने वाली नदी है मांडवी नदी याद रखना और मांडवी नदी गोवा में गोवा गोवा में याद रखना है कि मांडवी नदी बहती है और एक सवाल याद रखेगा कि मांडवी नदी के ऊपर कौन सा जलप्रपात है तो याद रखना है मांडवी नदी के ऊपर दूध सागर जलप्रपात है गोवा में ठीक है समझ में आया तो कर्नाटक कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदी है मांडवी नदी मांडवी नदी के ऊपर है आपका कौन सा जलप्रपात तो मांडवी नदी के ऊपर दूध सागर जलप्रपात है गोवा में याद रखेंगे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाववली वजराई जलप्रपात किस राज्य में है तो यहां से सवाल पूछता है भाववली वजराई जलप्रपात किस राज्य में है तो आप बताएंगे भाववली वजराई जलप्रपात किस राज्य में है तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में तो याद रखेंगे भांबली भांबली वजराई फॉल्स महाराष्ट्र राज्य में स्थित है ऑप्शन नंबर ए सॉरी ऑप्शन नंबर डी कहां पे है भाबवली वजराई जलप्रपात महाराष्ट्र में है ऑप्शन नंबर डी निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है तो आपको बताना अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है तो आप जानते हैं अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदी है साबरमती माही नर्मदा ताप्ती और पेरियार ठीक है तो यहां दिया है ताप्ती आंसर हो जाएगा ताप्ती तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं साबरमती माही नर्मदा ताप्ती और पेरियार ठीक है और अगर पूछे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी तो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी महानदी कृष्णा कावेरी स्वर्णेखा वैगई वेतरनी ब्रम्हनी ये सब जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं याद रखेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी कहां गिरती है अरब सागर में गिरती है ऑप्शन नंबर ए तो क्लास को फटाफट आप लोग शेयर करेंगे आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण तो क्षेत्र है किस राज्य में गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है किस राज्य में गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है तो महाराष्ट्र याद रखेंगे महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र अगला पूछ सकता है गोदावरी नदी कहां से निकलती है तो आप जानते हैं गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है ठीक है गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जि... गोदावरी जिले गोदावरी नदी माफी जाएंगे गोदावरी नदी नासिक जिले के गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रम्बिकेश्वर नामक स्थान से निकलती है और गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है याद रखेंगे तो अगर ये चीज पता था तो आप यहां से आंसर कर ही सकते थे कि किस राज्य में गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है महाराष्ट्र में आंसर ऑप्शन नंबर बी कभी कभी जल्दी बोलने में थोड़ा सा प्लम्बल हो जाता है चलिए अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस नदी तंत्र में वर्धा नदी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है ठीक है तो किस नदी तंत्र में वर्धा नदी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है आपको बताना है तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे वर्धा किसकी सहायक नदी है तो अगर ध्यान से सुनते होंगे तो आंसर आपका हो जाएगा पूना वर्धा मंजरा पेनगंगा वेनगंगा इंद्रावती सबरी ये सब गोदावरी की सहायक नदी है तो आप आंसर क्या करेंगे गोदावरी पूछा है किस नदी तंत्र में वर्धा नदी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है गोदावरी आपको बताए अभी कि वर्धा जो है गोदावरी की सहायक नदी है तो वर्धा पूना मंजरा वैनगंगा पैनगंगा इंद्रावती सबरी ये सब गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी निम्नलिखित में से किस नदी की किशन गंगा नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है इसको भी बहुत बार पढ़ा चुके हैं किशन गंगा नदी आप जानते हैं किसकी सहायक नदी है तो किशन गंगा नदी को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है तो किशन गंगा नदी को पाकिस्तान में कहा जाता है नीलम नदी याद रखेंगे किशन गंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी कहा जाता है क्या कहा जाता है पाकिस्तान में नीलम नदी कहा जाता है किशन गंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी कहा जाता है और किशन गंगा नदी आपका झीलम का सहायक नदी है किसका झेलम का सहायक नदी है आंसर ऑप्शन नंबर डी तो याद रखेंगे कि झेलम नदी जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झील के निकट से निकलती है और झेलम की प्रमुख सहायक नदी है किशन गंगा किशन गंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है ठीक है और झेलम नदी याद रखना है वुलर झील से होकर बहती है झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर बसा हुआ है तो आंसर हो जाएगा झेलम नदी की प्रमुख सहायक नदी है किशनगंगा ऑप्शन नंबर डी तो क्लास को फटाफट शेयर कीजिए आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे

महाबलेश्वर के पास से निकलती है याद रखेंगे कृष्णा नदी कहां से निकलती है तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में सहयाद्री पर्वतमाला से निकलती है याद रखेगा ठीक है इंपॉर्टेंट पूछता है महानदी कहां से निकलती है तो महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला में सिहावा पहाड़ी से निकलती है याद रखेंगे कि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला में सिहावा पहाड़ी के पास से होता है ठीक है और महानदी के ऊपर हीराकुंड डैम है महानदी के ऊपर टिकरापाड़ा डैम है तो याद रखेंगे महानदी के ऊपर हीराकुंड डैम और टिकरापाड़ा डैम स्थित है दामोदर पूछेगा तो आप जानते हैं कि दामोदर छोटा नागपुर पठार झारखंड के पलामू जिले से निकलती है दामोदर नदी तो यहां आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के त्रंबिकेश्वर से निकलती है गोदावरी ऑप्शन सी चलिए अगला सवाल देखते हैं जोग जलप्रपात किस राज्य में है तो आपको बार बार बताएं कि जोग जलप्रपात जो है भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात है जोग जलप्रपात जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात या घरसुप्पा जलप्रपात भी कहते हैं जोग जलप्रपात सरावती नदी के किनार सरावती नदी के ऊपर कर्नाटक में है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समझ में आया तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग जलप्रपात घरसुप्पा जलप्रपात महात्मा गांधी जलप्रपात यह सरावती नदी के ऊपर कर्नाटक में है आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उस शहर की पहचान करें जो सरयू नदी के किनारे है तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या अब इसको कौन नहीं जानता बताइए तो अयोध्या किस नदी के किनारे है सरयू नदी के किनारे है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है अगर आपसे पूछे कटक और संबलपुर किस नदी के किनारे है तो कटक और संबलपुर महानदी के किनारे स्थित है याद रखिएगा अगर पूछेगा नासिक और राजमुंदरी किस नदी के किनारे है तो नासिक और राजमुंदरी गोदावरी नदी के किनारे है अगर आपसे पूछेगा कि तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे है तो याद रखेंगे तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे है मैसूर कावेरी नदी के किनारे है श्रीरंगपट्टनम कावेरी तो नदी के किनारे स्थित है सूरत किस नदी के किनारे स्थित है तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है मदुरे वेगई नदी के किनारे स्थित है मधुरे वेगई नदी के किनारे स्थित है याद रखिएगा ठीक है लुधियाना शहर सतलुज नदी के किनारे बसा है लुधियाना शहर सतलुज नदी के किनारे बसा है हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है पंजी मांडवी नदी के किनारे बसा है पूछेगा पंजी किस नदी के किनारे तो पंजी मांडवी नदी के किनारे बसा है याद रखेंगे उज्जैन छिपरा नदी के किनारे बसा है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है उज्जैन छिपरा नदी के किनारे बसा है याद रखेंगे ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुहरी नदी आपको भारत के किस राज्य में मिलेगी यानी मुहरी नदी किस राज्य में बहती है आपको बताना है मुहरी नदी किस राज्य में बहती है तो याद रखना है त्रिपुरा मुहरी नदी किस राज्य में बहती है तो याद रखिएगा मुहरी नदी त्रिपुरा में बहती है अगला सवाल भूसी लेक भारत के किस राज्य में है ठीक है भूसी लेक भूसी झील भारत के किस राज्य में है तो याद रखना है महाराष्ट्र भूसी झील भारत के किस राज्य में है तो भूसी झील महाराष्ट्र राज्य में है ऑप्शन नंबर डी भारत का कौन सा राज्य ब्रह्मी खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों का स्रोत है बता चुके हैं ये भी सवाल कि भारत का कौन सा नदी कौन सा राज्य जो है ब्रह्मी खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों का स्रोत है तो आप जानते हैं स्वर्ण रेखा नदी आपको पता है झारखंड में खरकई झारखंड में ब्रह्मी झारखंड में तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट सवाल है इसको आप याद रखिएगा पूछ सकता है एग्जाम में ठीक है पूछेगा भारत का कौन सा राज्य ब्रह्मी खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों का स्रोत है तो याद रखेंगे झारखंड ब्राह्मणी खरकई और स्वर्णरेखा नदियों का स्रोत है आंसर ऑप्शन नंबर सी भोजताल जिसे पहले अपर लेक के नाम से जाना जाता था किस राज्य में स्थित है तो आपको बताना है कि भोजताल जिसे, तो जिसे पहले अपर लेक के नाम से जाना जाता था किस राज्य में स्थित है भोजताल या अपर लेक किस राज्य में स्थित है तो आपका सही आंसर क्या होगा मध्य प्रदेश याद रखेंगे भोजताल जिसे पहले अपर लेक के नाम से जाना जाता था मध्य प्रदेश में स्थित है आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है आंसर करेंगे कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है तो याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी क्या होगा आंसर ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है तो आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चमायुंगडुंग हिमानी से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपू या सांपू कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है याद रखेगा ठीक है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कौन सी नदी जोग जलप्रपात बनाती है जिसे गरसुप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है तो आप जानते हैं कि जोग जलप्रपात को गरसुप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है और यह किस नदी के ऊपर है जोग जलप्रपात तो आप जानते हैं श्रावती नदी के ऊपर है कर्नाटक में तो पूछेगा जोग या घरसुप्पा जलप्रपात कहां पर जोग या गरसुप्पा जलप्रपात किस राज्य में है तो जोग जलप्रपात गरसुप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी के ऊपर है आंसर ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा कथन गलत है तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपको बताना है तो यहां याद रखना है यह अरुणाचल प्रदेश में देखना है पूछा है कौन सा गलत है ध्यान दीजिएगा पूछा है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है पहला बता रहा है यह तिब्बत से निकलती है तो बिल्कुल सही है ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से निकलती है अगला है यह हिमालय के सामानांतर पूर्वी की ओर बहती है अगर नहीं पता है तो इसको छोड़ दीजिए अगला देखिए इसका अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र भारत के बाहर है ब्रह्मपुत्र नदी का अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र भारत के बाहर है यह भी सही है कि ब्रह्मपुत्र नदी का अधिकांश जो जल ग्रहण क्षेत्र है भारत के बाहर है अगला है यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है सही है और याद रखना अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है जबकि यहां लिख दिया है दिबांग के नाम से जाना जाता है तो यह आपका गलत हो गया बाकी ये तीनों आपका सही है समझ में आया गलत कहा है दिबांग लिख दिया है क्या कहा जाता है इसे दिहांग कहा जाता है दिहांग ठीक है याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी का अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र भारत के बाहर है और ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है ठीक है भारत में सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है तो याद रखना है कि भारत में सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रा पढ़े होंगे आप लोग पूछता है यांग्याप दर्रा कहां पे है तो अरुणाचल प्रदेश में है यांग्याप दर्रा ठीक है तो नामचा बरुवा के निकट मध्य हिमालय को काटती हुई यांगयाब दर्रा के द्वारा दक्षिण दिशा में मुड़कर यू टर्न लेते हुए भारत के हिमाचल प्रदेश भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी ठीक है फिर से बता रहे हैं याद रखना है कि नामचा बरुवा के निकट मध्य हिमालय को काटती हुई यांगयाब दर्रा के दक्षिण दिशा में मुड़कर यू टर्न लेते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यहां पे गलत है याद रखना है यहां कर लीजिएगा दिहांग ठीक है फिर ये सही हो हो जाएगा आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी सुंदरवन सुंदरवन डेल्टा डेल्टा बनता है है तो आप जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है तो सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है आंसर ऑप्शन डी पिछोला झील किस राज्य में स्थित है आपको बताना है कि पिछोला झील किस राज्य में स्थित है तो बहुत आसान सवाल है पिछोला झील किस राज्य में स्थित है आपको बताना है तो आप जानते हैं पिछोला झील राजस्थान में है तो राजस्थान में और कौन कौन सा झील है आपसे पूछ सकता है तो याद रखना है कि डिंडवाना झील कहाँ पे राजस्थान में पिछोला झील राजस्थान में सांभर झील राजस्थान में राजसमंद झील राजस्थान में जयसमंद झील राजस्थान में पुष्कर झील राजस्थान में उदय सागर झील राजस्थान में ठीक है तो पिछोला झील सांभर झील राजसमंद झील जयसमंद झील डिडवाना झील पुष्कर झील उदय सागर झील फतेह सागर झील राजस्थान में स्थित है तो राजस्थान में स्थित है पिछोला झील आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तो क्लास को फटाफट शेयर करेंगे आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर एक शहर नहीं है तो आपको बताना भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा शहर नहीं है करवाड़ सूरत मंगलोर गोपालपुर ठीक है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं पता होगा आप लोगों को आंसर होगा गोपालपुर तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित शहर नहीं है गोपालपुर आंसर ऑप्शन नंबर डी तो क्लास को फटाफट एक बार शेयर कीजिएगा गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है आपको बताना है गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है सतलुज याद रखेंगे गुरुद्वारा गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब सतलुज नदी के किनारे बसा है ऑप्शन नंबर सी नहर का एक चैनल जहां उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के खिलाफ पानी बहने के लिए मजबूर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है ठीक है इंपॉर्टेंट सवाल है पूछा गया है और भी बार तो याद रखना है लिफ्ट चैनल नहर का एक चैनल जहां उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के खिलाफ पानी बहने के लिए उसे प्रेरित किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लिफ्ट चैनल कहते हैं ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है आपको बताना है ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी जो भूटान से होकर बहती है ठीक है ये इंपॉर्टेंट है पूछ सकता है तो याद रखना है आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वांगछू नदी पूछता है वांगछू नदी कहां बहती है भूटान में बहती है ठीक है तो ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है वांगछू नदी जो कि भूटान देश से होकर बहती है आंसर ऑप्शन नंबर ए तो क्लास को फटाफट शेयर करें आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है आपको बताना है तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत किस राज्य में स्थित है ठीक है तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे उत्तराखंड में तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में है तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में स्थित है ऑप्शन सी अगला सवाल उड़ीसा में वेदव्यास में शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनने वाली नदी का नाम क्या है तो उड़ीसा में वेदव्यास में ठीक है आपको याद के रखना है ध्यान दीजिएगा उड़ीसा में इसको छोड़ दिया नहीं भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है उड़ीसा में संघ नदी उड़ीसा में संख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से कौन सा नदी बनता है ये इंपॉर्टेंट है पूछता है एग्जाम में कि उड़ीसा में संख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनने वाली नदी का नाम क्या है तो याद रखना है ब्रह्मणी नदी समझ में आया उड़ीसा में संख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनने वाली नदी का नाम है ब्रह्मणी नदी आंसर ऑप्शन नंबर ए अंचार झील किस राज्य में स्थित है तो आंसर करेंगे अंचार झील किस राज्य में स्थित है तो अंचार झील जम्मू कश्मीर में स्थित है तो अगर पूछे अंचार झील कहां पे है जम्मू कश्मीर में है जम्मू कश्मीर में तो बहुत सारा झील है जैसे डल झील जम्मू कश्मीर वुलर झील जम्मू कश्मीर अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर नागिन झील जम्मू कश्मीर बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर शेषनाग झील जम्मू कश्मीर तो अंचार झील कहां पर है जम्मू कश्मीर में है याद रखेंगे तो आंसर हो जाएगा अचार झील जम्मू कश्मीर में स्थित है मेघालय में याद रखना है एक पूछता है उमयम झील उमियम झील कहाँ पे है तो उमियम झील मेघालय में है लोकटक झील कहाँ पे है मणिपुर में है जानते हैं लोकटक झील कहाँ पे है मणिपुर में है दीपोर बिल झील पूछेगा तो आसाम में है दीपोर बिल झील होफलोंग झील कहाँ पे है आसाम में है हॉफलोंग झील याद रखिएगा ठीक है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है अंचार झील ऑप्शन नंबर ए और जो भी बच्चे बिहार से हैं मधुबनी मधुबनी दरभंगा पटना आरा छपरा बक्सर ठीक है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा बिहार में कौन सा झील स्थित है और क्लास को एक बार लाइक भी कर दीजिएगा ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से भारत निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पिछोला झील के किनारे स्थित है अब पिछोला झील कहां पे है पढ़े आप लोग पिछोला झील राजस्थान में है सांबर झील राजस्थान में है तो राजस्थान का ही कोई शहर होगा जो पिछोला झील के किनारे स्थित होगा तो आप एलिमिनेट भी तो कर सकते हैं आगरा राजस्थान में नहीं है अहमदाबाद भी नहीं है नूल भी नहीं है उदयपुर है तो आंसर हो जाएगा उदयपुर समझ में आया तो पिछोला झील कहां पे है तो आप जानते हैं पिछोला झील राजस्थान में है तो पूछा है पिछोला झील के किनारे कौन सा शहर स्थित है तो जो राजस्थान में होगा वही शहर होगा तो ऑप्शन दिया है केवल एक ही शहर है राजस्थान का उदयपुर तो आंसर हो जाएगा उदयपुर समझ में आया तो ऑप्शन को आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं तो याद रखना है पिछोला झील के किनारे स्थित है उदयपुर शहर ऑप्शन नंबर सी गिरी नदी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है आपको बताना है गिरी नदी किसका महत्वपूर्ण सहायक नदी है गिरी नदी जो है किसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है तो याद रखना है यमुना की सहायक नदी है गिरी नदी ठीक है पूछेगा गिरी नदी किसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है तो यमुना की सहायक नदी है गिरी रिवर ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है तो आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुम ग्लेशियर से पूछेगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है तो आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत तिब्बत के पास याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग हिमानी से निकलती है तो याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश श्रेणी के चेमा युगडुंग हिमनद या ग्लेशियर से निकलती है ऑप्शन नंबर डी येला वर्णा और डिंडी किसकी सहायक नदी है तो आंसर करना है येला वर्णा और डिंडी किसकी सहायक नदी है ठीक है तो याद रखना है कृष्णा की सहायक नदी है येला वर्णा और डिंडी पूछेगा येला वर्णा और डिंडी किसकी सहायक नदी है तो कृष्णा की सहायक नदी है ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है इंपॉर्टेंट है गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है तो याद रखना है कि गंगा नदी बिहार को जो है तीन ठीक है गंगा नदी बिहार राज्य को तीन भागों में विभाजित करती है आंसर ऑप्शन सी गंगा नदी बिहार राज्य को तीन भागों में विभाजित करती है आपको पता होगा गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा है तो उत्तराखंड का हरिद्वार शहर गंगा नदी के किनारे बसा है उत्तराखंड का हरिद्वार शहर गंगा नदी के किनारे बसा है बिहार का पटनर बिहार का पटना बक्सर मुंगेर और भागलपुर गंगा नदी के किनारे बसा है तो पूछेगा पटना गंगा नदी के किनारे बक्सर गंगा नदी के किनारे मुंगेर गंगा नदी के किनारे भागलपुर गंगा नदी के किनारे ठीक है तो बिहार का पटना बक्सर मुंगेर और भागलपुर जिला गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का कानपुर वाराणसी फतेहपुर कन्नौज बलिया सहारनपुर और बिजनौर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है तो इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछता है गंगा नदी बिहार राज्य को तीन भागों में विभाजित करती है आंसर ऑप्शन नंबर सी ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आप कुंचिकल जलप्रपात देखते हैं तो कुंचिकल जलप्रपात कहां है आप जानते हैं भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी के ऊपर है कर्नाटक में आंसर क्या होगा ऑप्शन बी तो पूछेगा कुंचिकल जलप्रपात से सवाल तो कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वराही नदी के ऊपर है कर्नाटक में है आंसर ऑप्शन नंबर बी कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है तो आप जानते हैं कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील कहां पे है तो याद रखना है कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में इंपॉर्टेंट है कोलेरू झील कहां पे है तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में याद रखेंगे पुलिकट झील पूछेगा तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है याद रखेंगे पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है इंपॉर्टेंट है पूछता है बेमनाथ झील केरल में है चिल्का झील उड़ीसा में है लोकटक झील मणिपुर में है याद रखिएगा चलिए सवाल हो गया इसका आंसर कोलेरू झील आंध्र प्रदेश ऑप्शन सी तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर करें और लाइक नहीं किया है तो लाइक करें आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरती है तो बहुत बार पढ़ चुके हैं कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरती है आपको बताना है तो सही आंसर क्या हो जाएगा ताप्ती नदी तो ताप्ती नदी आप जानते हैं कि कहां गिरती है तो याद रखना है कि ताप्ती नदी जो है गुजरात राज्य में अरब सागर के खंभात की, की खाड़ी में गिरती है ठीक है आंसर ऑप्शन सी और याद रखना है कि ताप्ती, ताप्ती नदी, नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुरा की पहाड़ी से निकलती है ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुरा की पहाड़ी से निकलती है ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरती है याद रखेंगे तो आंसर क्या होगा ताप्ती ऑप्शन नंबर सी भारत में जय हिंद पुल कहां स्थित है भारत में जय हिंद पुल कहां स्थित है तो याद रखेंगे भारत में जय हिंद पुल कोलकाता में स्थित है भारत में जय हिंद पुल कहां स्थित है कोलकाता में स्थित है याद रखेंगे नहर प्रणाली द्वारा सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति के माध्यम से सेवा प्रदान करने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है तो आंसर कीजिएगा तो याद रखना है कमांड क्षेत्र नहर प्रणाली द्वारा सिंचाई और अन्य उद्देश्य के लिए पानी की आपूर्ति के माध्यम से सेवा प्रदान करने वाले क्षेत्र को कमांड क्षेत्र कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा जब कोई नदी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो अपवाह पैटर्न को क्या कहा जाता है आंसर करेंगे जब कोई नदी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो अपवाह पैटर्न को क्या कहा जाता है तो याद रखना अरी है अरिय ठीक है अरिय या रेडियल तो याद रखेंगे जब कोई नदी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो अपवाह पैटर्न को अरी या रेडियल कहा जाता है ऑप्शन डी कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है आपको बताना है कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है तो आप जानते हैं दूध सागर दूध सागर जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश में स्थित है तो याद रखना है दूध सागर जलप्रपात कहां पे है मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात कहां पे है तो आप जानते हैं धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है कपिल धारा जलप्रपात कहां पे है मध्य प्रदेश में है तो याद रखिएगा दुग्ध धारा जलप्रपात कहां पे है मध्य प्रदेश में ठीक है दुग्ध धारा जलप्रपात ठीक है यहां पे एक मिनट सुधार करना होगा आपको ठीक है क्या सुधार करना हो ध्यान द्या, दीजिए यहाँ दूध लिखा है दुग्ध नहीं लिखा है अभी हम पढ़े दुग्ध धारा दुग्ध लिखा रहता तो आंसर होता ऑप्शन डी तो ध्यान से देखने का जरूरत है ना तो गलती हो सकता है जैसे यहां लिखा है दूध सागर अगर पूछेगा दुग्ध धारा ध्यान दीजिएगा दुग्ध धारा आपको बहुत बार पढ़ा भी चुके हैं पूछेगा दुग्ध धारा जलप्रपात तो दुग्ध धारा जलप्रपात कहां पे है मध्य प्रदेश में है और याद रखना है किस नदी के किनारे है नर्मदा नदी के ऊपर है तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी के ऊपर हो गया दुग्ध धारा जलप्रपात नर्मदा नदी के ऊपर हो गया और एक याद रखना है कपिल धारा जलप्रपात ये तीन जलप्रपात याद रखना है कपिल धारा जलप्रपात ये तीनों जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और ये नर्मदा नदी के ऊपर है समझ में आ रहा है ध्यान से देखिएगा तो नर्मदा नदी के ऊपर तीन जलप्रपात याद रखना है मध्य प्रदेश में ठीक है नर्मदा नदी के ऊपर धुआंधार जलप्रपात दुग्धारा जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी के ऊपर कहां पर प्रदेश में लेकिन यहां दूध सागर लिखा है तो दूध सागर कहां पर है याद है दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी के किनारे गोवा में है तो समझ में आए इसलिए ध्यान से देखिएगा ना तो गलती हो सकता है तो दूध सागर मांडवी नदी के किनारे मांडवी नदी के ऊपर गोवा में ठीक है तो याद रखना है दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी के ऊपर गोवा में स्थित है जबकि धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में स्थित है धुआंधार जलप्रपात याद रखेंगे ठीक है तो नर्मदा नदी के ऊपर धुआधार दुग्धधारा और कपिल धारा जलप्रपात है मध्य प्रदेश में आंसर ऑप्शन नंबर ए तो क्लास को फटाफट शेयर करें आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे क्लास को आप लोग सपोर्ट क्या करें निम्नलिखित में से कौन एक पारंपरिक जल भंडारण संरचना नहीं है आपको बताना इनमें से कौन एक पारंपरिक जल भंडारण संचरा जल भंडारण संरचना नहीं है इनमें से कौन एक पारंपरिक जल भंडारण संरचना नहीं है तो आंसर क्या होगा ऑप्शन डी हरियाली ऑप्शन देख के पता नहीं चल रहा है हरियाली लिखा है तो याद रखना हरियाली जो है पारंपरिक जल भंडारण संरचना नहीं है ऑप्शन नंबर डी भूमि की एक प्राकृतिक भू जल विद्युत इकाई है जो जल एकत्र करती है और इसे एक सामान्य बिंदु के माध्यम से धाराओं की एक प्रणाली द्वारा बहाती है इसका आंसर क्या होगा जल विभाजक तो भूमि की एक प्राकृतिक भू जल विद्युत इकाई है जो जल एकत्र करती है और इसे इस सामान्य बिंदु के माध्यम से धाराओं की एक प्रणाली द्वारा बहाती है उसे क्या कहा जाता है वाटर सेपरेटर जल विभाजक ऑप्शन सी याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है तो बहुत बार आप पढ़ चुके हैं गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा है कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा है इसके अलावा आप जानते हैं वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा है फरुखाबाद गंगा नदी के किनारे बसा है फतेहपुर गंगा नदी के किनारे कन्नौज गंगा नदी के किनारे चकेरी गंगा नदी के किनारे बिजनौर गंगा नदी के किनारे सहारनपुर गंगा नदी के किनारे पटना बक्सर मुंगेर और भागलपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है ठीक है लेकिन हजारीबाग आप जानते हैं तो झारखंड में है ठीक है तो ये गंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है हजारीबाग ठीक है हजारीबाग गंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तो कितने बच्चे यहां पे झारखंड से हैं फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिएगा हजारीबाग धनबाद कोडरमा बोकारो पलामू जामतारा दुमका देवघर ठीक है तो क्लास को सपोर्ट कीजिएगा और जो भी बच्चे वेस्ट बंगाल बिहार से हैं वो भी आप लोग क्लास को सपोर्ट कीजिएगा और इस सवाल का आंसर क्या होगा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है तो हजारीबाग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं तो इतना ही सवाल था उम्मीद करेंगे आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो आप लोग क्लास को सपोर्ट सपोर्ट करेंगे बहुत सारा इंपॉर्टेंट सवाल आज हम लोग देखे हैं जो कि प्रीवियस ईयर का सिलेक्टेड क्वेश्चन था और साथ ही साथ जो भी रिलेटेड क्वेश्चन था उसको भी हम लोग डिस्कस किए तो क्लास में कोई भी तरह का किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ कोई भी सजेशन देना होगा तो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा और क्लास में रेगुलर रहेंगे और क्लास को सपोर्ट कीजिएगा तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे जय हिंद जय भारत जय बी धन्यवाद